दिल्ली से बिहार में लाई जा रही कार से शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने किया बरामद। कार व शराब जब्त, साथ ही दो गिरफ्तार। बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त करते हुए गिरफ्तार दो लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारियों की चांदी कट रही है। नई नई तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की खेप को लाया जा रहा है तथा दोगुने दामों में बेचकर कारोबारी मुनाफा कमा रहे हैं। देखा जाए तो बिहार में शराब दिखता कहीं नहीं है, लेकिन बिकता सभी जगहों पर है। ऐसे में बगहा पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कारोबारी बेफिक्र होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। प्रभारी थाना अध्यक्ष ज्योति पुंज ने बताया कि गश्ती के दौरान चौतरवा थाना क्षेत्र के NH-727 बहुवरवा साधु पुल के समीप शक के आधार पर तलाशी ली गई, जिसमें कुल 501 बोतल अंग्रेजी शराब की मात्रा करीब 126 लीटर के साथ कार को जब्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों की पहचान मुकेश कुमार मुजफ्फरपुर के हत्था गांव के थाना अय्यारपुर का निवासी है तथा दूसरा सुशील कुमार सीतामढ़ी के 12D थाना सैदपुर का निवासी है। दोनों दिल्ली से शराब की खेप लेकर बेतिया जा रहे थे।